हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। तो जो गाड़ी आपको आपके सामने दिखाई दे रही है ये है BMW की S1000RR और ये है नॉर्मल मॉडल, और जो ब्लू वाली है वाइट वाली वो है स्पोर्ट्स मॉडल। इसमें काफ़ी ज़्यादा हर जगह कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है, देखने में रॉकेट लग रही है। और ये है BMW की 1250। ये है गाड़ी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए सारा डेडिकेशन लगाने वाला इंसान, बहुत मेहनत किया है आज। तो ये जो BMW वाला वीडियो था ये था तो दिन परसों वाला वीडियो, तो हम इसको डालना भूल गए थे, तो सोचे कि आज वाले क्लिप में डाल देते। तो अभी हम लोग निकल गए थे वापस से अपने घर जाने के लिए लखनऊ से सिवान, और ये है अप्रोच रोड एक्सप्रेसवे से पहले वाला। तो ये भी लगभग हाईवे जैसा था, ज़्यादा ही अच्छा रोड था। और वीडियो रिकॉर्ड हम खुद कर रहे थे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद से कमांड हमारे वीडियो रिकॉर्डर संभाले। और एक आर्मी वाली गाड़ी जा रही थी सामने, उसको एस्कॉर्ट कर रहा था पीछे पुलिस वाला, गाड़ी सिक्योरिटी दे रहा था, एस्कॉर्ट करने वाला तो आगे चलता है। तो स्पीड था लगभग 100 के आसपास, और आप बगल से देख सकते हैं इसमें कुछ ज़्यादा ही तेज़ दिख रहा है, हेक्टर में इतना तेज नहीं दिखता है, ऐसा क्यों हमको पता नहीं। तो ये था एक्सप्रेसवे का अप्रोच रोड। हाँ अप्रोच रोड है, नहीं सॉरी ये एक्सप्रेसवे ही है। तो हम लोग आ गए थे एक्सप्रेसवे पे जाने के लिए घर, 231 किलोमीटर इस पर चलना था हम लोग को सब मिला के। और ये वीडियो कहाँ से कहाँ जा रहा है ये हमको नहीं पता चल रहा है, लेकिन वीडियो अच्छा है तो हम सोचे डाल दें। और मेरे पास कोई वीडियो है भी नहीं इसके अलावा, तो डाल भी नहीं सकते ये नीचे। नहीं सॉरी दोस्तों, ये अभी एक्सप्रेसवे के पहले का वीडियो है, एक्सप्रेसवे पे जाने वाला। और ये जो सामने आपको रोड दिख रहा है जिसको हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, ये भी एक्सप्रेसवे ही बन रहा है। तो ये कहाँ जाएगा ये नहीं पता है, दिल्ली बॉम्बे कहीं जाएगा, ऊपर जो जाएगा ये इलाहाबाद जाएगा शायद, नहीं पता, गूगल कर लीजिएगा, लोकेशन भेज रहा है। और यहाँ पे चलिए इंजीनियरिंग, ओ माय गॉड क्या ही मस्त निकले हम, इतना तेज। और ये है एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग का रोड, यहाँ से शुरू होता है चढ़ने के लिए, तो ये एकदम 360 डिग्री हम लोग को गोल घुमा देता है। और बहुत सारा वीडियो में दिखा चुके हैं हम इसको, तो क्या ही दिखाएं, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेंगे क्योंकि बोरिंग लगेगा। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, नहीं इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये गाड़ी इसमें कुछ ज़्यादा ही तेज़ दिख रही है, जबकि ज़्यादा तेज थी नहीं, 100 पे ही तो थे, हेक्टर में पता नहीं चलता है, लेकिन इसमें बहुत दूर से पता चल रहा है। तो एक्सप्रेसवे को एक्सप्रेसवे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पर 3 लेन होता है चलने के लिए, और लिमिट होता है 100, जो कि इंडिया के किसी भी रोड में लिखा नहीं रहता है कि इतना तेज़ आपको चलना है, लेकिन इसके वाले पे लिखा रहता है कि 100 चलना है, बाकी सड़े हाईवे पे 80 लिमिट होता है, तो इसीलिए इसको एक्सप्रेसवे बोलते हैं। ये है हैंगिंग ब्रिज जिसे कोटा में था उसी टाइप का, उसके बाद सीधा आगे एग्जिट पे, नहीं ये एंट्री है, एग्जिट तो हम रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।